अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महेंद्रगढ़ खेल स्टेडियम में 12 अगस्त को होने वाली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जन क्रांति रैली की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। रैली के बारे में जानकारी देते हुए खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव माजरा ने बताया कि 12 अगस्त को महेंद्रगढ़ के खेल स्टेडियम में होने वाली जन क्रांति रैली में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हेलीकॉप्टर केंद्रीय विश्वविद्यालय में उतरेगा। वहां से 10,000 बाइकों पर नौजवान युवा उन्हें विश्वविद्यालय के गेट से सभा स्थल पर ढोल नगाड़े व डीजे की धुन पर नाचते गाते और जोर शोर से लेकर आएंगे। पंडाल में 1,00,000 आदमियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लोगों को बैठने के लिए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है। इस रैली में लाइव कवरेज आसमान में उड़ने वाले ड्रोन कैमरे से की जाएगी। दक्षिणी हरियाणा में तमाम रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ेगी जन क्रांति रैली। दक्षिण हरियाणा में ऐसी रैली ना तो कभी हुई है, ना भविष्य में ऐसी रैली होने की संभावना है। 1,000 वॉलंटियर जो ट्रैफिक सहित भारी व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। सभा स्थल पर पंखे, कूलर, पीने के पानी के साथ साथ 1,00,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। रैली की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। रैली को लेकर राव दान सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 100 गांवों का दौरा भी कर चुके हैं। सभा स्थल पर ढोलू यादव, जोगेंद्र माजरा, बाबूलाल बलियाचा, रामरखा माजरा, दीपक टोनी खातोदड़ा, सतीश खातोदड़ा, जगदीश प्रसाद सहित अनेक कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए थे। मेरा नाम कृष्ण माजरा, जिला अध्यक्ष, मैं खेल प्रकोष्ठ का हूँ और रावदान सिंह जी के हमें कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। और जो जनक्रांति रैली की रावदान सिंह जी आप लोगों के बीच में तैयारियां कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के आशीर्वाद से, ज़बरदस्त हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमने लगभग 90-100 के करीब हमने गाँव क्लियर कर लिए हैं। ज़बरदस्त इस रैली को लेकर के एक रुझान, उत्सव, उमंग सी लोगों के अंदर बनी हुई है। रावदान सिंह जी ने एक ऐसी ज़बरदस्त तैयारी, आप लोग देख रहे हैं आपके सामने पंडाल तैयार होने लग रहा है, ये तो तैयार हुआ नहीं है, होने लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त तैयारी रावदान सिंह जी अपनी ओर से कर रहे हैं। लोगों का भारी जन समूह उमड़ करके हमारे बीच में आएगा 12 तारीख को। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारी जन क्रांति रैली है ये पूरे दक्षिणी हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ेगी। इससे बढ़ करके आज तक न कोई रैली हुई है और न कोई आगे होने की हमें संभावना। हमने इस रैली का टारगेट 1,00,000 आदमियों का रखा है और हमें निश्चित रूप से माननीय रावदान सिंह जी के साथ ही जनसंपर्क अभियान में हम कंधे से कंधा मिला करके चले हुए हैं साथ, और हमें निश्चित रूप से अपने साथियों के ऊपर, विधानसभा के लोगों के साथियों के ऊपर हमें विश्वास है कि हर साथी अपनी जिम्मेवारी समझ करके यहाँ पर एक ज़बरदस्त भीड़ अपने साथ लेकर के आएंगे, ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हेलीकॉप्टर 12 तारीख को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लैंड करेगा। वहाँ से नौजवान बच्चे 10,000 मोटरसाइकिलों के कांग्रेस की झंडियाँ और रावदान सिंह जी के स्टिकर लगा करके और सभा स्थल तक, यहाँ रैली स्थल तक हमारे बीच में लेकर के आएंगे 10,000 हमारे नौजवान साथी मोटरसाइकिलों के साथ। ऐसा मान सम्मान पहली बार हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। अन्यथा तो बहुत मुख्यमंत्री आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे, माला डाली और जनसभा के अंदर ले आए। हमारे लिए माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस क्षेत्र में, महेंद्रगढ़ क्षेत्र के लिए जो विकास के आवाम यहाँ पर स्थापित करवाए, हम सदैव माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, श्री राहुल गांधी जी के, श्रीमती सोनिया गांधी जी के, और भाई हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रावदान सिंह जी के सदैव के लिए इलाका आभारी है। आज इसी चीज़ को लेकर के रावदान सिंह जी को एक विकास पुरुष के नाम से इस क्षेत्र के अंदर एक रावदान सिंह जी ने अपनी पहचान छोड़ दी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी, हमें NCR के अंदर हमारे ज़िले को शामिल करवाया, 1470 मेगावाट बिजली पैदा करने का कारखाना महेंद्रगढ़ से मात्र 10 और 12 किलोमीटर की दूरी पर 7,000 करोड़ रुपये की लागत से हमारे बीच में स्थापित करवाया। आप देख रहे हैं तमाम ये जो ऑडिटोरियम, खेल स्टेडियम, स्विमिंग पूल, सामने मिनी सेक्रेट, कोर्ट परिसर, हमारी बहनों के लिए वुमेन कॉलेज की नई बिल्डिंग, ये सब इधर मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सब PG कॉलेज के अंदर 2 नई बिल्डिंग, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 2 नई बिल्डिंग, ये सब रावदान सिंह जी की देन है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद है। और हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से रावदान सिंह जी इस रैली को लेकर के ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। एक सक्रिय सिपाही की तरह हमारे बीच में रावदान सिंह जी काम करने पर लगे हुए हैं। महेंद्रगढ़ से दिनेश यादव की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।